सोनभद्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला चौपन थाना इलाके के मारकुंडी घाटी का है, जहां तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल हो जाने से पहाड़ से जा टकराई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनको आनन फानन में एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गाड़ी रोकने के लिए पहाड़ से टकराना पड़ा। हालांकि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां लगभग 200 फीट की गहरी खाई थी, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को पहाड़ से टकराया और एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। बनारस से तो ये कैसे हुई घटना? मारकुंडी जब नीचे वाले टर्निंग घूमे हैं जी, बस इसमें क्या हुआ? ब्रेक फेल हो गया। हाँ, उसके बाद ब्रेक फेल लगे, गाड़ी को स्पीड बना ली। अच्छा, और टर्निंग पर आगे ट्रक घूम रहा था, उसके पीछे दो कंटे बोलोरो थी। यदि हम उसमें सीधे जाते बोलोरो में मार देते और बोलोरो के दो तीन बोलोरो नष्ट हो जाते और हमारी गाड़ी खाई में चली जाती। बोलोरो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, कुछ जगह मिल गई है, बस हम बाएं काट के ले जाके सीधे जो जंगल है उसी में मतलब मार दिए, उसी में जाके सीधे टकरा गई गाड़ी। बताया जा रहा है कि बस में कुल 47 लोग सवार थे, जिनमें से 30 लोगों को गंभीर चोटें आई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जिला अस्पताल जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें चिकित्सा विभाग से TMS PV गौतम, SDM सदर यमुना धर चौहान, ADM योगेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे, लेकिन DM के आदेश के कारण अधिकारियों ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। पंजाब केसरी TV के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।